हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है जी एंडी द होम इंजीनियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ, जैसे टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा, ये एक फुटवेयर कलेक्शन है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। बेसिकली मैंने हील्स जो कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, जो वेडिंग हील्स होती हैं या नॉर्मल जो भी आपको हील्स पहनी होती है, वो वाली मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जो फर्स्ट मैंने हील बाय की है वो कुछ इस टाइप की है, ब्लैक कलर में लाइक इस टाइप। ये जो स्ट्रैप्स इसमें बने हुए हैं, ये कोई लेदर के नहीं है, फैब्रिक के स्ट्रैप्स हैं। एंड ये पीछे सारा जो भी लगा हुआ है, ये पूरा फैब्रिक है, ये लेदर नहीं है। एंड ये उस टाइप का फैब्रिक है, लाइक थोड़ा सा भी अगर मिट्टी जाता है तो वो थोड़ा सा डर्टी हो जाता है, उसके साथ चिपक जाता है, वैसा ये फैब्रिक है। एंड मेरा साइज़ है 38। ये मुझे कितने की मिली है, लेट मी चेक। ओके, ये मुझे 358 रुपीज़ में मिली है। एंड इनका ब्रांड है सोफी करके कोई ब्रांड है। एंड 38 साइज़ का ये मुझे मिला, मुझे 5 नंबर आता है। अगर नॉर्मल भाषा में मैं बात करूँ तो मुझे 5 नंबर आता है। तो 38 जो मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, ये वो है, ये जो कि मेरे पैर पे बिल्कुल ठीक बैठता है। बट इसका जो प्रॉब्लम है, उसका इस थोड़ा सा स्ट्रैप जो है वो थोड़ा सा मुझे क्वालिटी वाइज उतना अच्छा नहीं लगा। बट ओवरऑल जो है 358 की रेंज में काफ़ी अच्छी हील मिल रही है। एंड क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी भी नहीं है, बहुत लो क्वालिटी भी नहीं है। तो लाइक जैसे आप अगर रेगुलर वेयर करते हो, जो हील्स वगैरह आप अगर रेगुलर डालते हो, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं निकालेगी। अगर आप ओकेजनली लाइक हील्स वगैरह डालते हो, वेयर करते हो, तो ये काफ़ी टाइम निकाल देगी। रेगुलर वेयर के लिए ये ज़्यादा टाइम नहीं निकलेगी, क्योंकि ये जो बीच की यहाँ से अगर आप बात करो तो ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है। ये जो लाइक फैब्रिक है वो भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो क्वालिटी ओके ओके 358 की रेंज में है, लाइक क्वालिटी ओके ओके है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं है। तो ये है मेरा फर्स्ट हील जो मैंने बाय की है, ये देखिए कुछ इस टाइप की है। पेंसिल हील नहीं है, नॉर्मल हील होती है जो, वो है ये। एंड ओवरऑल क्वालिटी ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड मैंने बाय किया है, ये बहुत लाइक बहुत सिंपल सी हील है, लाइक अगर मैं बात करूँ बहुत ही प्यारी सिंपल सी। काफ़ी टाइम से ये वाली जो बैली जो हील्स है, ये काफ़ी टाइम से ट्रेंड में, इनका ट्रेंड कभी गया नहीं मेरे ख्याल से। लाइक मैं बोलती हूँ, जब से मैंने हील पहनना स्टार्ट किया तब भी मेरे पास ऐसी हील्स थी, और अभी भी ये चल रही है, काफ़ी अच्छी चलती है। इनका फैशन थोड़ा कम जाता है, क्योंकि लाइक जिनको बहुत ब्राइट हील्स पहनना या जैसे बहुत चमक चमक करना पसंद ना हो, उनके लिए बेस्ट चॉइस रहता है। क्योंकि शादी वगैरह में आपको हील्स वगैरह पहने और आपको वो ऐसा है कि ब्राइट कलर आपको पसंद है, तो आप ऐसे वाले जो हील्स हैं उनके लिए जा सकते हैं। एंड ये मुझे 457 की मिली है, एंड लंदन स्टेप करके कोई ब्रांड है, तो ये कुछ इस टाइप की। बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक ये जो चीज़ है ये काफ़ी स्टर्डी है, बहुत जल्दी नहीं जाएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनकी। 457 की मुझे पड़ी है, और इनकी क्वालिटी दी बेस्ट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। अगर आप नॉर्मल मार्केट में जाओगे तो आपको ये 700-800 रुपये का ऑब्वियसली होगा ही, जो आप शॉपकीपर होंगे वो 700-800 के नीचे नहीं देगा, क्योंकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लाइक हील भी काफ़ी अच्छी है, एंड ओवरऑल क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। 457 में मुझे ये दोनों मिली है, एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इनके लिए। आपको ये वाले के लिए, आपको अगर आप कोई अच्छी चीज़ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो और अच्छी चीज़ हो, तो ये इन चीज़ इनके लिए आप डेफिनेटली जा सकते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो मैंने हील ली है वो कुछ इस टाइप की है, रोज़ गोल्ड कलर होता है इस टाइप की, देखिए। एंड गोल्डन कलर के स्ट्रैप्स इसमें लगे हुए हैं, ये देखिए गोल्डन कलर के। एंड जो बेस है वो रोज़ गोल्ड कलर का है, काफ़ी डिफरेंट सा कलर है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। एंड यहाँ से लाइक आपको ये जिप्पर मिल जाता है ओपन करने के लिए, मतलब अगर आप जिप्पर ओपन करेंगे यहाँ से आपका पैर जाएगा, ये देखिए। एंड फिर इसका आपको बंद कर देंगे। एंड ये वाली जो हील है ये मोस्टली जीन्स के साथ भी अच्छी लगती है, और उसके बाद अगर आप सूट के साथ भी वेयर करो तो काफ़ी अच्छी लगती है। एंड ये भी मुझे दो भाई करके ब्रांड है, आई गेस, लेट मी चेक, दो भाई करके ब्रांड है। एंड 457 में मुझे रिसीव हुई है, एंड क्वालिटी वाइज अच्छी है, बहुत गंदी क्वालिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई अगर आप बोल रहे हो वो भी नहीं है, और ओके क्वालिटी है, एंड काफ़ी अच्छी है। आप डेफिनेटली आप ये बाय कर सकते हो, अगर आप कोई अच्छी सी हील देख रहे हो बजट के अंदर, तो आप ये वाली भी बाय कर सकते हो अगर आपको पसंद आ रही है। तो इनके जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छी है, लाइक बहुत प्यारी लगती है इस टाइप की हील। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट कुछ
हो ब्लैक और वाइट ऑरेंज कलर से, तो आप ये कलर के लिए भी डेफिनेटली जा सकते हो. और काफ़ी अच्छी है ये गोल्डन कलर की जो स्ट्रैप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसे लाइक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है थोड़ा सा आपके जो है चले जाएंगे. मुझे काफ़ी पसंद आई ये वाली, पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छी लगी. ओके, लास्ट जो मैंने ऑर्डर की थी वो एक बैली है, कुछ इस टाइप की बैली है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये बहुत लाइट वेट है, लाइक जो बैलीज होती है नॉर्मली वो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा वेट होता है उनका, ये काफ़ी लाइट वेट है. इनको लाइक पहन के पता ही नहीं चल रहा है कि आपने बैली डाली हुई है. क्वालिटी भी ओके है, बट इन बैलीज का ये होता है कि लाइक आप इनको या तो किसी फंक्शन या शादी वगैरह में ही डाल सकते हो, क्योंकि ये जो सीक्वेंस वर्क है ये आप नॉर्मली ऑफिस या मार्केट पहन के तो नहीं जाओगे, तो ये इनका ये प्रॉब्लम है कि लाइक आप ये नॉर्मली शादी वगैरह में ही वेयर कर सकते हैं. एंड पहने हुए इनका एक्चुअली जो बीच का इसका फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है. मुझे लगा नहीं था कि, जैसे कि मैं जब इनको देखा था तो मुझे लगा था कि काफ़ी थोड़ा हैवी रहेगी, नॉर्मल जो बैलीज रहती है जैसे हैवी रहेंगी, बट ये काफ़ी, ये शू टोपिया करके कोई ब्रांड है उससे मुझे मिली है एंड 381 रुपीज़ में मुझे ये मिली है. बट इनका ये है कि लाइक अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो जैसे कि ये फैब्रिक है थोड़ा सा इसका फिनिशिंग यहाँ से इतना अच्छा नहीं लग रहा है. ये देखिए पीछे से इतना ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग नहीं लगा मुझे, बट ओवरऑल लाइक 381 की रेंज में ये काफ़ी अच्छे हैं. ये देखिए ये कुछ इस टाइप के हैं एंड क्वालिटी वाइज भी ठीक है, ओके क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं है. एंड अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 400 की रेंज में आपको बहुत हाई क्वालिटी मिलेगी, तो फ्रेंकली स्पीकिंग ब्रांड और नॉन ब्रांडेड चीज़ों में थोड़ा तो फ़र्क होगा ही. एंड ये मेरा वही सेम 38 नंबर है जो नॉर्मली 5 नंबर मुझे आता है. एंड ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, देखिए कुछ इस टाइप की अच्छी है. एंड ओके, तो ये जो हील्स हैं जो मैंने आपके साथ फुटवेयर कलेक्शन आपके साथ शेयर किया, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं. मैंने वहाँ पे इसके सारे लिंक्स डाले हुए हैं, अगर आपको बाय करना है तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिंक पे जाके आप उसको बाय कर सकते हो. एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आपको आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलने वाली हैं. सो टिल देन बाय.